सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल को और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं PVC आधार कार्ड, ये देख सकते हैं। और ये कैसे अप्लाई करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हूँ, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके आपको ₹50 चार्जेस देने होते हैं जो कि स्पीड पोस्ट के जरिए आपके पते पर आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब भी मंगा सकते हैं, नहीं है रजिस्टर्ड तब भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा स्पीड पोस्ट के जरिए जो है आ चुका है PVC कार्ड। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे ये बुकिंग करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नया आधार कार्ड बनाया है और अभी तक आपको आधार कार्ड का नंबर नहीं मिला है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये अंदर से दिखने में कैसा है। ये मेरे को कल ही प्राप्त हुआ है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसको आपको आराम से खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो गाइस अब हम इसको देखते हैं सेट पलट के, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया गया है जिसे मैंने अभी ब्लर किया हुआ है सिक्योरिटी रीज़न के चलते ताकि कोई दिक्कत मुझे ना आए। आधार कार्ड का मेरा नंबर देख सकते हैं, मैंने अभी हाइड किया हुआ है। SR नंबर जब आप इसको ऑर्डर करते हैं PVC आधार कार्ड, और आप देख सकते हैं 19/8/2021 को मैंने अप्लाई किया था। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं और इसके अंदर ये देख सकते हैं। इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ, इसको साइड में कर लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, निकल गया। इसको हम साइड में करते हैं। ये आप देख सकते हैं आधार कार्ड का सैंपल, ये है फ्रंट वाला साइज। यहाँ पर आपकी फ़ोटो होती है और यहाँ पर भारत सरकार का लोगो होता है और यहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रहती है छोटी सी। और ये प्लास्टिक का होता है ATM कार्ड की तरह, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं होलोग्राम जो कि बार कोड होता है, वो जो हम प्रिंट करते थे उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि स्कैन नहीं हो पाता था, इसमें बहुत ही आसान तरीके से स्कैन होगा। अभी मैं फिज़िकल दिखाने वाला हूँ, इसको साइड में हम रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा आधार कार्ड जो है आ चुका है। ये मेरी फ़ोटो है, बहुत पुरानी फ़ोटो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा भारत सरकार का लोगो दिया गया है। मेरा आधार मेरी पहचान, अब ऐसे लिखा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार का लोगो, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रहती है और आपका आधार कार्ड का नंबर भी होता है। और चलते हैं, हम बैग दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होलोग्राम दिया गया है, बार कोड आप स्कैन करके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया गया है और यहाँ पर प्रिंट की डेट दी गई है किस तारीख को प्रिंट किया गया है। और ये बहुत ही हार्ड है, बढ़िया है, कैरी करने के लिए ठीक है, पर्स में भी आप रख सकते हैं, वाटरप्रूफ है, ना कोई झंझट है, ना कोई गीला होने का डर है। और आधार कार्ड जो हम पहले प्रिंट आउट निकलवाते थे वो गीला हो जाता था, लैमिनेशन कितना भी कर लो और उसके बार कोड में प्रॉब्लम आ जाती थी स्कैन करने में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ ₹50 देकर आप
स्पीड पोस्ट के जरिए जो है मंगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने जो ऑर्डर किया था ये स्पीड पोस्ट के जरिए आता है, बहुत ही फास्ट है इसकी सर्विस जो कि भारत सरकार की है। आप 50 रुपये देकर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा है देखने में भी लुक इसका, आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।